हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और उसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, तो चलो शुरू करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। वो क्या कहता था, ये बहुत बोरिंग है, उसको होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। और वो होमवर्क करने के बजाय वो क्या करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो क्या है, एक वीडियो गेम है। इंस्टेड मतलब बजाय। वो होमवर्क करने के बजाय हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो गेम खेलता रहता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग। और उसका टीचर उसे क्या बोलता था, पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करना वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। वॉन्ट का फुल फॉर्म क्या है, विल नॉट। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एंड इग्नोरमस। और ये सही था, कभी कभी वो बहुत स्टूपिड सा बिहेव करता था। इग्नोरमस मतलब क्या है, जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता। वो कभी कभी ऐसा करता था कि वो उसे कुछ भी नहीं पता। बट वट कुड ही डू, पर वो क्या करता, ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था वो। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। और एक दिन क्या हुआ, उसने अपने कैट को एक छोटा सा डॉल के साथ खेलते हुए देखा। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उसको पकड़ लिया। ग्रैब मतलब पकड़ना, छीन लेना। टू ही सरप्राइज इट वॉजंट ए डॉल, और वो सरप्राइज हो गया, वो डॉल नहीं था, मतलब खिलौना नहीं था। वॉजंट का फुल फॉर्म क्या है, वॉज नॉट एट ऑल, वो क्या था, डॉल नहीं था। बट ए मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, वो क्या था, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एक आदमी था। टाइनीस्ट मतलब बहुत ज़्यादा छोटा। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच। और वो छोटा सा वूल का शर्ट पहना हुआ था और पुराने ज़माने का पैंट पहना हुआ था। ब्रीचेस मतलब ट्राउज़र, पैंट। एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच, और एक बहुत ऊंचा टोपी पहना हुआ था। वो जादू करने वाले ओमन जो पहनते हैं, बहुत ऊंचा सा टोपी, ऐसा एक टोपी पहना हुआ था। विच मतलब जादू करने वाले औरत। ही येल्ड सेव मी, और वो चिल्लाने लगी, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट के पास वापस मत भेजो। डोंट मतलब डू नॉट। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रोमिस यू डैट, मैं तुम्हारे सारे ख्वाहिश पूरा करूँगा, मैं ये तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ। आई विल मतलब आई विल, ग्रांट मतलब पूरा करना, विश मतलब आशा, प्रॉमिस मतलब वादा करना। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है, कितना भाग्यशाली है। कुडंट का फुल फॉर्म है कुड नॉट, लकी मतलब भाग्यशाली। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उसके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये है। तो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर दैट्स 35 days। और उसने क्या कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, तुम्हें सिर्फ मेरा होमवर्क करना है, टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर दैट्स 35 days, सेमिस्टर के एंड होने तक तुम्हें मेरा सिर्फ होमवर्क करके देना है, और सेमिस्टर का ख़त्म होने में सिर्फ 35 days बाकी है। इफ़ यू डू ए गुड अनाफ जॉब आई कुड इवन गेट एस, अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो हो सके कि मुझे ए मिल जाए, मतलब ग्रेड, जो ए बी सी ऐसे देते हैं ना, वो ए ग्रेड मिल जाए। अगर तुम अच्छे से मेरा होमवर्क करके दोगे तो शायद मुझे ए मिल जाए। द लिटिल मैंस फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर,
और छोटे से मैन का फेस कैसा था? रिंकल्ड लाइक ए डिसक्लॉथ स्ट्रोन इन द हैम्पर. रिंकल्ड मतलब क्या है? झुर्रियों से भरा हुआ. और छोटा सा आदमी का फेस कैसा था? झुर्रियों से भरा हुआ था. लाइक ए डिसक्लॉथ स्ट्रोन इन द हैम्पर. डिसक्लॉथ मतलब बटन पोंछने के लिए जो कपड़े हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिशक्लॉथ. उसके जैसा था उसका फेस. ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमिस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स. ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट. ही किक्ड हिज लेग्स और उसने क्या किया? अपने लेग्स को किक किया. एंड डबल हिज फिस्ट. डबल हिज फिस्ट मतलब मुट्ठी बनाना. एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स. ग्रिमेस मतलब एक फेशियल एक्सप्रेशन है जो सडनली चेंज हो जाता है. मतलब कोई काम करने का मन नहीं है पर उसे करना जब पड़ता है. एंड स्कोल्ड. स्कोल्ड मतलब क्या है? आईब्रो को पास लाना. एंड पर्स्ड हिज लिप्स मतलब होंठ को बंद करना. ओ एम आई कर्स्ड. क्या मुझे कोई शार्प मिला था? बट आई विल डू इट. पर मुझे ये करना पड़ेगा. आई विल मतलब आई विल. कार्स मतलब श्राप. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. और उसने जैसे बोला था वैसे छोटा सा एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट किया. एल्फ मतलब क्या है? जिसके पास मैजिकल पावर होता है वो. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. और वहाँ एक गड़बड़ रह गया. ग्लिच मतलब क्या है? गड़बड़. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. और उस मैजिक मैन को हमेशा क्या करना है ये नहीं पता था और वो हर वक्त हेल्प मांगता रहता था. डिडंट मतलब डिड नॉट. हेल्प मी ही इट से. और वो क्या बोलता था हर वक्त? हेल्प मी ऐसे वो पैट्रिक को बुलाता था. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. और पैट्रिक हमेशा उसको हेल्प करता था. वो जैसे हो सके उसको वो हेल्प करता था. हिट का फुल फॉर्म है ही वुड. आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. मुझे ये वर्ड पता नहीं है. वो मैजिक मैन जब पैट्रिक का होमवर्क करता था जब वो पढ़ता था वो ऐसे बोलता रहता था. मुझे ये वर्ड पता नहीं है. स्क्वीक मतलब छोटी छोटी साउंड निकालना. गेट मी ए डिक्शनरी. मुझे एक डिक्शनरी चाहिए. नो व्हाट्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय इच लेटर. नहीं अच्छा होगा कि तुम डिक्शनरी में वर्ड को देखो और एक एक लेटर पढ़ के मुझे बताओ. और उस एल्फ ने पैट्रिक को क्या कहा था? तुम डिक्शनरी देखो और एक एक लेटर पढ़ के मुझे सुनाओ, यही बेटर होगा. व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक. जब मैथ्स की बारी आती थी पैट्रिक लक से बाहर हो जाता था. व्हाट आर टाइम टेबल्स द एल्फ श्रिक्ड. श्रिक्ड मतलब चिल्लाना. और एल्फ क्या चिल्लाता था? ये टाइम टेबल क्या है? We elves never need that. हम मैजिक मैन को ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है. And addition and subtraction and division and fractions. और ये addition, subtraction, division, fraction ये सब क्या है? इसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है. ये उस एल्फ को नहीं पता था. Here, sit down beside me. तुम मेरे पास बैठो. You simply must guide me. तुम्हें मुझे गाइड करना होगा. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. Elves को human history के बारे में कुछ भी नहीं पता है. ये उसके लिए सब mystery है, मतलब रहस्य है. So the little elf already a shouter. Just got louder. इसलिए वो छोटा सा elf कभी कभी जोर जोर से चिल्लाने लगता था. Go to the library. I need books. Library में जाओ, मुझे books चाहिए. मोर एंड मोर बुक्स. बहुत 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 और बहुत ज़्यादा किताबें मुझे चाहिए. एंड यू कैन हेल्प मी रीड डैम टू. और ये सब पढ़ने में तुम मुझे हेल्प करोगे. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट
every day in every way that little elf was a nag. Or हर रोज हर दिन वो छोटा सा एल्फ पैट्रिक को एक एक चीज के बारे में कंप्लेन करता गया. नाग मतलब कंटिन्यूअसली किसी चीज के बारे में जब कोई कंप्लेन करता है उसको क्या बोलते हैं, नाग. क्योंकि एल्फ को कुछ भी नहीं पता था इसलिए वो हमेशा पैट्रिक को कंप्लेन करता था. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज ईट ए ड्रैग. और पैट्रिक पहले से ज़्यादा हार्डवर्क करने लगा. एंड वॉज ईट ए ड्रैग. और वो क्या कर रहा था, ज़बरदस्ती कर रहा था. ड्रैग मतलब कोई काम ज़बरदस्ती करना. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात को जागता रहता था. हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वो कभी भी थकान महसूस नहीं करता था. Was going to school with his eyes puffed and blurry. और वो स्कूल में कैसे जाता था, उसका आँख सूजी हुई था. Puffed मतलब सूजी हुई. और blurry मतलब जब रात को नींद ठीक तरह से पूरी नहीं होता है तब चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं पड़ते हैं ना, blurry दिखाई पड़ता है. वो रात को इतना मेहनत करता था कि वो थकान भी महसूस नहीं होता था और वो बिना सोए ही स्कूल जाता था. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. और फाइनली स्कूल का आखिरी दिन आ गया और एल्फ का जाने का वक्त आ गया और वो जाने के लिए फ्री हो गया. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. और उस वक्त कोई होमवर्क नहीं रह गया था. So he quietly and slyly slipped out the back door. और इसलिए उसने शांति से और गुप्त तरीके से पीछे के दरवाजे से चला गया. Quietly मतलब शांत और slyly मतलब गुप्त. Slip मतलब चले जाना. Patrick got his A's. और Patrick को A मिला, A grade मिला. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. और उसके जो क्लासमेट्स थे वो बहुत खुश हो गए और उसके टीचर स्माइल करने लगे और उसको उसका तारीफ करने लगे. प्रेज मतलब तारीफ करना. एंड हिज पेरेंट्स, और उसका पेरेंट्स का क्या हुआ, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक. वो असंभवित हो गए, पैट्रिक को क्या हो गया, चकित हो जाना. वंडर्ड मतलब चकित हो जाना. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. और वो सबके लिए मॉडल किड बन गया. मॉडल मतलब जिसको सब फॉलो करते हैं. क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज शोर्स, वॉज शेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड. और वो अपना रूम खुद क्लीन करता था, साफ करता था, अपना काम वो खुद करता था और वो बहुत खुश रहता था. किसी को रूड बिहेव भी नहीं करता था. ऐसा लग रहा था कि उसने एक नया एटीट्यूड उसमें आ गया हो, वो बहुत बदल चुका था. यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क. पैट्रिक यही सोच रहा था कि उस छोटे से आदमी ने ही उसके सारे होमवर्क कर दिए थे. बट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी. पर मैं एक सीक्रेट शेयर करता हूँ तुम्हारे, ये सिर्फ तुम्हारी और मेरे बीच ही रहेगा, ठीक है. आई विल मतलब आई विल, शेयर मतलब बांटना. इट वॉजन्ट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. और वो सीक्रेट क्या है, वो जो होमवर्क था वो एल्फ ने नहीं किया था, पैट्रिक ने खुद किया था, है ना. और इसका ऑथर कौन है, कैरोल मूर. तो आज के लिए इतना ही. टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय.